नमस्कार दर्शक, जैसा कि आप जानते हैं बागजान ऑयल खाद के बारे में, तिनसुकिया के बागजान के ऑयल खाद में आज लगभग एक महीने से आग लगी हुई है, जिसे बुझाने का काम ऑल इंडिया और सेना के जवान मिलकर कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज फिर से उसी ऑयल खाद में बहुत जोरदार धमाके के साथ फिर से ब्लास्ट हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जिसमें 3 विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों में से एक की हालत चिंताजनक है और बाकी 2 को मामूली चोटें आई है, जिन्हें चिकित्सा के लिए डिब्रूगढ़ के आस्था हॉस्पिटल में भेजा गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये संकट खत्म हो और बागजान के लोग अपनी स्वाभाविक जीवन यापन कर पाए। मैं धीरेन्द्र प्रसाद, लाइटर लाइव, तिनसुकिया। चलो भाई, आज कहीं चलते हैं। बड़े दिनों बाद पापा जी से गड्डी की चाबी लेके आया। My hometown, बोली तो मेरा गांव, it's not a city but it's a small town, my town। बहुत आसान है इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। लाइट हाउस टॉप पे आइए या फिर इस नंबर पे अपना RC भेजिए। सबसे बेस्ट टॉप ब्रांड्स के साथ अपना इंश्योरेंस जज कीजिए, कंपेयर कीजिए और उसके बाद सबसे बेस्ट इंश्योरेंस ले लीजिए। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।